काल की सीमा मनुष्य को किस प्रकार बांध देती है, यह बात मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। महाकाल, आपके द्वारा दिए गए परमपिता ब्रह्मा और शिवजी के संदेश को मैंने अपने साथ लिया, परंतु अब भी मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं आपकी ही बातों को दोहरा रहा हूं श्रीराम, काल किसी को सोचने का अवसर नहीं देता। और फिर देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक में आपके श्री विष्णु रूप के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रतीक्षा को अस्मित ना कीजिए। हम अपने जीवन के क्षण क्षण के प्रति सचेत हैं महाराज, परंतु मनुष्य जन्म में जो भी पुण्य कार्य शेष बचा है हमें शीघ्र उसे भी पूर्ण करना है। कृपया रुक जाइए महाराज जी, रुक जाइए। महाराज लक्ष्मण का आदेश है, आप कृपया अंदर मत जाइए। लक्ष्मण कौन होता है मुझे रोकने वाला, ऋषि दुर्वासा को रोकने वाला। यदि उनके आज्ञा का पालन न किया तो? चुप दुष्ट, चुप रहे। तुम स्वयं ऋषि दुर्वासा के साथ चल रहे हो, जिनके सम्मुख देवता गण भी सिर झुकाते हैं। लक्ष्मण, ऋषिवर आप? प्रणाम ऋषिवर। हर हर महादेव। लक्ष्मण, क्या स्वयं रुद्र अवतार ऋषि दुर्वासा को श्री राम से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? क्षमा करें ऋषिवर, भैया राम इस समय किसी के संग आवश्यक मंत्रणा में व्यस्त है। परंतु हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, और हम जहां जाना चाहते हैं सिर्फ बाधा के पहुंच जाते हैं। क्षमा करें ऋषिवर, भैया राम ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे ना चाहे किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न दिया जाए। परंतु ये हमारा आदेश है, हमें रोकने का परिणाम भयंकर होगा। क्या हम श्री राम से छोटे हैं? हमारे आदेश का पालन करो। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, भैया राम की मंत्रणा समाप्त ही होने वाली है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। कदापि नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, प्रतीक्षा करना हमारा स्वभाव नहीं। यदि तुमने मुझे रोकने की चेष्टा की तो हम अपने शाप की ज्वाला से तुम्हें भस्मीभूत कर देंगे। मेरी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर, मैं भैया राम की आज्ञाओं से बंधा हुआ हूँ। परंतु हम किसी बंधन से बंधे हुए नहीं है। मुझे रोकने की चेष्टा न करो, तुम यहीं ठहरो। श्री राम कहाँ है आप? ऋषिवर, स्वयं ऋषि दुर्वासा अयोध्या आए हैं। प्रभु राम, श्री राम कहाँ है आप? स्वयं ऋषि दुर्वासा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। राम कहाँ है आप? श्री राम कहाँ है आप? प्रणाम दुराचार्य ऋषि। जय शिव शंकर, जय महादेव। राम, तुम्हारा भाई लक्ष्मण बहुत हठीला है, वो स्वयं रुद्र अवतार ऋषि दुर्वासा को तुम्हारे पास आने से रोक रहा था। उसने कहा कि तुम किसी से मंत्रणा कर रहे हो, गुप्त मंत्रणा, परंतु यह तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न किया? राम, क्या लक्ष्मण ने मुझसे असत्य कहा? नहीं ऋषिवर, यह सत्य है कि हम यहाँ किसी से गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, परंतु ये भी सत्य है कि हमने लक्ष्मण को यह आदेश दिया था कि किसी को भी इस कक्ष में आने न दे। परंतु क्या तुम ये नहीं जानते कि हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं? हम जहाँ चाहते हैं आंधी के समान पहुँच जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है ऋषिवर कि उसने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। नहीं, ये तुम्हारा नहीं उसका दुर्भाग्य है जिसने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। राम, तुम्हें उसे ऐसे कार्य सौंपने ही नहीं चाहिए थे। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा महर्षि। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम, हमने तुम्हारे राम राज्य की बहुत प्रशंसा सुनी है। यह सब आपके शुभ आशीर्वाद का फल है महर्षि। राम, हम चाहते हैं कि तुम समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए राजसूय यज्ञ करो, और फिर सारी पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करो। पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन करना हमें उचित प्रतीत नहीं होता महर्षि, हम किसी को भी विवश करना नहीं चाहते। राम, क्या तुम समस्त अयोध्या वासियों को राम राज का सुख देना नहीं चाहते? सुख दुख तो सबके अपने अपने भाग पर निर्भर है महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप ये सत्य को भली भांति जानते हैं। राम, तुम चाहो
तो उनका भाग्य बदल सकते हो। तुम में वो क्षमता है, इसलिए तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। राम, तुम मौन क्यों हो? हमारी बातों का उत्तर दो। आपकी आज्ञा शुरधार है ऋषिवर। यदि जीवन रहा तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। राम, तुम जीवन मरण से परे हो, ये बात हम भली भांति जानते हैं। आपके वचनों का मैं सम्मान करता हूं महर्षि। आपके आगमन और आपके आदेश को मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। हम तुम्हारी इसी बात से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वचन तो नहीं दे सकते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि तुम्हारा यश युग युगों तक प्रसारित हो। जय शिव शंकर, जय महादेव। जय शिव शंकर, जय महादेव। जय शिव शंकर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम का कोई परिणाम नहीं निकलेगा लक्ष्मण। जो हो रहा है, जो होने वाला है, वही सत्य है। हमारा कार्य सिद्ध हुआ। जय शिव शंकर, जय महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दुर्वासा ऋषि को अंदर आने से ना रोक सका। उन्होंने उन्होंने मेरी एकदम मानी और वे अंदर चले आए। तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है लक्ष्मण, इस बात का हमें घोर दुख है। मैं जानता हूं भैया, मैं सब कुछ जानता हूं। कृपया कृपया एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार। नहीं लक्ष्मण, यह ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती। हम विवश हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए विवश हैं हम। आप मुझे दंडित करेंगे भैया? इस बात को जानते हुए कि उस क्रोधित दुर्वासा ऋषि को मैं अंदर आने से ना रोक सका? हां लक्ष्मण, अब तुम्हारा कोई भी तर्क तुम्हें दंडित होने से नहीं बचा सकता। तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना करके अयोध्यापति श्रीराम के सम्मान को खंडित किया है। दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा भैया। तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना करके अयोध्यापति श्रीराम के सम्मान को खंडित किया है। तुम हमारे भ्राता होने का अनुचित लाभ उठाना चाहते हो, परंतु अयोध्यापति श्रीराम का न्याय सबके लिए एक समान होता है लक्ष्मण। भैया, मुझे इस प्रकार प्रताड़ित मत कीजिए भैया। मैं आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, मैंने जानबूझकर आपके आज्ञा की अवहेलना नहीं की है भैया। बहुत हो चुका लक्ष्मण, अब हम इस विषय में तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहते। भैया, तुम्हारे सक्षम में अपराध का दंड है।
हमसे तुम्हारा संबंध विच्छेद। अब तुम हमारे भ्राता कहलाने का अधिकारी नहीं रहे। हम इस इच्छाओं तुम्हारा त्याग करते हैं। अब इस जीवन में हमें कभी अपना मुंह मत दिखाना। यह अयोध्यापति श्री राम का आदेश है। भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। 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 भैया लक्ष्मण मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। भैया 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 क्या हुआ? भैया क्या हुआ? मैं भैया के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। भैया ने मेरा त्याग कर दिया। हनुमान भैया ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं भैया, कैसे जाने दूं और क्यों जाने दूं? कहां जाने दूं भैया, कहां जाने दूं? मैं जीवित नहीं रहना चाहता हनुमान। भैया राम ने मेरा त्याग कर दिया है और तुम्हें तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम की सौगंध। यदि तुमने मुझे रोकने की चेष्टा की तो प्रभु 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 ये आपने क्या किया? प्रभु 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 ये आपने क्या किया प्रभु? पिताश्री आप अपना आदेश लौटा लीजिए। पिताश्री लौटा लीजिए। पिताश्री चाचा जी का त्याग ना कीजिए। चाचा जी का त्याग नहीं कीजिए पिताश्री। प्रभु प्रभु इन दो बालकों का रोदन देखकर भी आप मौन हैं? नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्रभु इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कृपया अपना मौन तोड़िए प्रभु, कुछ बोलिए प्रभु, कुछ बोलिए। हनुमान हम सदा सदा के लिए लक्ष्मण का त्याग कर चुके हैं। हमारा यह निर्णय अटल है प्रभु। परंतु आपने इतना कठोर निर्णय क्यों लिया? भैया लक्ष्मण का अपराध क्या था? आपने आपने भैया लक्ष्मण का त्याग क्यों किया प्रभु, क्यों किया? नहीं हनुमान, हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे प्रभु। हो सकता है कि
अयोध्या पति एक दिन पिता भी त्याग कर दे। आपके इस राज्य में कुछ भी हो सकता है प्रभु, आपके राज्य में असंभव से संभव हो सकता है, आपके राज्य में कुछ भी हो सकता है प्रभु, कुछ भी हो सकता है। नहीं हनुमान, हनुमान हम कई परीक्षाएं दे चुके हैं हनुमान, अब हमारी और परीक्षा मत लो। लक्ष्मण का त्याग करने के लिए हम विवश थे, क्योंकि विधाता का यही संकेत था हनुमान, यही संकेत था। मुझे क्षमा करना हनुमान, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। सुनो सुनो, अयोध्या के राजा राम ने भैया लक्ष्मण का त्याग कर दिया, अयोध्या के राजा राम ने भैया लक्ष्मण का त्याग कर दिया। हाँ, अयोध्या के राजा राम ने भैया लक्ष्मण का त्याग कर दिया। सुनो सुनो, पिताश्री पिताश्री पिताश्री, कुछ सुना आपने? राजा राम ने अपने सबसे प्यारे भैया लक्ष्मण जी का भी त्याग कर दिया। क्या कह रहे हो बेटा? सच कह रहा हूँ पिताश्री। ये राजा राम जी को क्या सूझी? क्या सीता जी को त्याग करके उनका मन नहीं भरा था? हे भगवान, ये श्री राम जी को क्या हो गया है? भाइयों, जितना प्रेम लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से किया उतना किसी से नहीं किया, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वनवास के समय श्री राम के पीछे चल दिए। इसी प्रेम का परिणाम है ये। संतों ने ठीक ही कहा है, अति प्रेम करना ही बुरा है। जो अति प्रेम करता है उसे अति दुख उठाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मण जी को इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, इसका विद्रोह करना चाहिए। अति उत्साह भी बुरा होता है भाई, श्री राम कभी अन्याय नहीं कर सकते, इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण है। परंतु मैं इसे नहीं मानता, मैं समझता हूँ ये सब मूर्खता है। आप सब बैठ जाइए। प्रभु, हम अयोध्या के न्याय मंदिर में न्यायकर्ता श्री राम से मिलने आए हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए प्रभु। शांत हो जाइए, कृपया करके आप सब शांत हो जाइए, आप सबको अवश्य न्याय मिलेगा। प्रभु, आप नहीं जानते लक्ष्मण जी के त्याग के समाचार से अयोध्या वासियों को कितना दुख पहुंचा है। प्रभु, सारे अयोध्या और आसपास के नगर में इस समाचार से शोक की लहर दौड़ गई है। क्षमा कीजिए श्री राम,
यदि हम कुछ कहें। आप इस समय अयोध्या के न्याय मंदिर में हैं। आपको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। ये लक्ष्मण जी के प्रति अन्याय है श्री राम। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने तो जीवन भर आपकी सेवा की है, आपका साथ निभाया है। आप लोग संभवतः ये नहीं जानते कि उन्होंने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। हमने उन्हें सावधान भी किया कि हमारी आज्ञा को ना मानने का परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है, परंतु उन्होंने वही किया। हम जानते हैं प्रभु, परंतु इस छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड, फिर इतना तो विचार कीजिए कि इस घटना से हम अयोध्या वासियों को कितना दुख पहुंचा है। हमारा हृदय टूक टूक होकर रह गया है प्रभु, टूक टूक होकर रह गया है। हमें किस अपराध का दंड दिया जा रहा है प्रभु, हमें किस अपराध का दंड दिया जा रहा है। हम भी इस समय शोक सागर में डूबे हुए हैं प्रजाजनों। हम स्वयं भी दंड के पात्र हैं। क्या आप अपने प्रिय राजा राम के दंड में सहभागी नहीं होंगे? क्या ये दंड मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा? महामंत्री जी, आप ही इन्हें समझाइए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, वैसे तो मेरा संपूर्ण जीवन आप ही के लिए समर्पित है, परंतु आज इन भोले नागरिकों को समझाने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अयोध्या वासियों, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि मेरे साथ साथ आप सब ये दंड भुगतिए। मैं आप सबका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। प्राण त्याग का विचार त्याग दीजिए लक्ष्मण भैया, त्याग दीजिए। नहीं, मैं भैया के दर्शन किए बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री राम अपनी आज्ञा लौटा लेंगे, लक्ष्मण भैया लौटा लेंगे। नहीं मेरे भाई, भैया राम की आज्ञा अटल होती है, उसे लौटाया नहीं जा सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, हम आपको प्राण त्याग नहीं करने देंगे। आप हमारे लिए रुक जाइए लक्ष्मण भैया। अयोध्या वासियों, मैं आप सबका आभारी हूं। मैं आपके प्रेम की धरोहर को सदा सदा अपने साथ रखना चाहता हूं। जन्म जन्मांतरों तक मैं इस धरोहर को अपने पास रखूंगा। भैया, यदि आप राम राज्य में रहना नहीं चाहते तो कहीं और चले जाइए, परंतु प्राण त्याग का विचार त्याग कीजिए। नहीं मेरे भाई, भैया राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। फिर आप ही बताइए, भला इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नारायण विराजमान ना हो।
फिर भी हम आपको प्राण त्याग करने नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे, हम आपको प्राण त्याग करने नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, रुक जाइए, नहीं लक्ष्मण भैया रुक जाइए, रुक जाइए लक्ष्मण भैया, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए लक्ष्मण भैया, रुक जाइए, नहीं लक्ष्मण भैया रुक जाइए, रुक जाइए लक्ष्मण भैया, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सबको भैया राम की सौगंध। यदि आप लोगों ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो यही नारायण की इच्छा है। आप लोग इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। जाओ वत्स, जाओ। भैया लक्ष्मण ने मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध देकर रोक रखा है, परंतु वत्स तुम लोगों को नहीं। तुम लोग जाकर अपने चाचा श्री को रोक सकते हो। वत्स जाओ, जाओ वत्स, जाओ, जाओ। प्रभु चाचा श्री, चाचा श्री, चाचा श्री। तुम लोग क्यों आ गए पुत्रो? चाचा श्री क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चाचा श्री नहीं, चाचा श्री नहीं। पुत्रो विदा की बेला अब आ गई है, मुझे भी अब जाना ही होगा। जिस प्रकार तुम्हारी सीता मैया धरती में समा गई, उसी प्रकार मुझे भी जल में समाना होगा। नहीं चाचा श्री नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। कुश, तुम रो रहे हो मेरे पुत्र? अरे अरे तुम दोनों ने तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है, अब क्या तुम्हें भी यह समझाना होगा कि यह शरीर नश्वर है मेरे पुत्रों? जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। प्रभु, प्रभु, आप सबने हनुमान को इतना विवश क्यों बना दिया प्रभु, क्यों बना दिया प्रभु? नहीं हनुमान, क्यों, क्यों ऐसा, क्यों प्रभु ऐसा क्यों? हनुमान भैया, 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 बस हनुमान बस। तुम्हारे गुरु तो स्वयं सूर्य देव और देवर्षि नारद हैं। क्या तुम्हें भी यह बताना होगा कि यह शरीर नश्वर होता है, और तुम तो मेरी आत्मा से जुड़े हुए हो हनुमान, मेरी आत्मा से जुड़े हुए हो। मैं तो केवल अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं भैया, नहीं, नहीं। तुम तो सदा सदा मेरे साथ रहोगे हनुमान, सदा सदा मेरे साथ रहोगे। बस हनुमान बस, इन अश्रुओं का त्याग करो और हंसते हंसते मुझे विदा करो। नहीं भैया, आओ मेरे साथ। नहीं पुत्र,
जय श्री राम। नहीं! नहीं! शेषावतार भैया लक्ष्मण की, शेषावतार भैया लक्ष्मण की, शेषावतार भैया लक्ष्मण की, शेषावतार भैया लक्ष्मण की, शेषावतार भैया लक्ष्मण की। शेषावतार भैया लक्ष्मण की, 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 शेषावतार भैया लक्ष्मण की। यदि आपने वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं यहाँ पर आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता भैया। लक्ष्मण राम से कदापि दूर नहीं रह सकता। सूर्य से भला उसका प्रकाश कैसे दूर रह सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? जिस सीता भाभी ने आपके लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसी सीता भाभी को आप त्याग देना चाहते हैं? ये गलत विचार आपके मन में आया कैसे भैया? भैया राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो स्वयं नारायण के अवतार है। भला इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नारायण विराजमान ना हो। लक्ष्मण शेषावतार थे, ये बात तो मैं जानता था, परंतु आज सरयू नदी के तट पर उनके इस रूप के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। पिताश्री, शेष नागनियों ने फन पर उठा लिया और फिर जल में ले गए। अद्भुत था वह दृश्य पिताश्री। हाँ पिताश्री, चाचा जी के उस रूप के दर्शन करके सारे अयोध्या वासी गदगद हो गए और धन्य हो गए। यदि आप वहाँ होते तो आप भी धन्य हो जाते पिताश्री। हमारे भाग्य में वो नहीं लिखा था पुत्रों, हम तो अभागे ही रह गए। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा न कहिए। भैया लक्ष्मण का त्याग करके आप भला वहां कैसे आ सकते थे? जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, विधाता के लेख में यही होना लिखा था। भारत, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम चुप ही रहोगे? अयोध्या का यह राज सिंहासन अब तुम्ही को तो संभालना है भारत। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हनुमान, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं जल समाधि लूंगा। भैया, सरयू नदी के पावन तट पर मैंने अपना ही शरीर त्याग करने का निश्चय बहुत पहले कर लिया था। लक्ष्मण का त्याग करने का निश्चय मैंने इसके पश्चात किया।
परंतु प्रभु नहीं भैया, इतना कठोर निर्णय ना कीजिए। ऐसा नहीं होगा भैया, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। भरत, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसके कारण मैंने यह निश्चय किया। प्रभु, प्रभु क्या है वो रहस्य बताइए। भरत, स्वयं भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा ने हमें आदेश दिया कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ और हमें अपने शरीर त्यागना होगा। हनुमान, तुम्हें इस बात का स्मरण तो होगा कि एक तापसी महाराज हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमसे एकांत में मंत्रणा भी की थी। वे तापसी महाराज नहीं थे, वे स्वयं यमराज काल थे। हां, जो भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा का संदेश हम तक पहुंचाने आए थे, उनका संदेश पाते ही हमने लक्ष्मण का त्याग करने की घोषणा कर दी। परंतु प्रभु, यह रहस्य ना तो आपने भैया लक्ष्मण को बताया और ना ही मुझे। हनुमान, हर बात का एक उचित समय होता है। नहीं भैया, आपके इस कठोर निर्णय को अयोध्या में कोई स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपने देह त्याग का निर्णय नहीं बदला तो अयोध्या में किसी को जीवित नहीं देखेगा। ये अयोध्या नगरी एक शमशान नगरी में बदल जाएगी। नहीं भरत, नहीं, ऐसी बातें मत करो। मेरे पश्चात तुम्हीं को तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना है। नहीं, कदापि नहीं। भरत, हमने महाराज शत्रुघ्न को यह सूचना भिजवा दी है। वे किसी भी पल यहां आते ही होंगे। उनके यहां आने तक तुम्हें भी हमारे साथ उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। हमने कुलगुरु वशिष्ठ को भी यहां आने की सूचना दे दी है। वे भी यहां आते ही होंगे।